दोनों को रोना नहीं है। इतना प्यार करते हैं आपसे। सच लौंडा पिघल गया। सच लौंडा पिघल गया। हमारा सच लौंडा पिघल गया गाइस। भाई आई कांटेक्ट नहीं टूट रहा। आई कांटेक्ट। नई गाड़ी गिफ्ट कर रहे भाभी को। भाभी ने मेरे को करी है। So, hey guys, good morning. Welcome back to the new episode. एंड प्रणव भैया के शादी के एपिसोड में आपका स्वागत है गाइस। आज फाइनली प्रणव भैया की शादी है गाइस। अभी नीचे ना हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग एकदम मस्त पीले पीले सुंदर सुंदर तैयार हो चुके हैं। ऋतिका भी सुंदर एकदम तैयार हो चुके हैं। बाकी सब लोग नीचे जा करके तैयार हो गए थे। मेरे को सुबह एडिट वेडिट करना था, थोड़ा सा उसमें टाइम लग गया, बट रियली हैप्पी फॉर टुडे गाइस। ये चेक करो कैसे लग रहे हैं आपके बाबू भैया। सुंदर तो लग रहे हैं। अन्नू सुंदर। एंड मेरा पेट ना फाइनली कम हुआ, नहीं तो बीच में ना मेरा पेट बहुत बाहर सा आ गया था ऐसे करके, बट अब जाकर के पेट कंट्रोल हुआ है। अभी जाते हैं नीचे, प्रणव भैया को मेहंदी मुंदी लगाते हैं और मिलाते हैं आपसे। हल्दी हल्दी लगाते हैं। चलो। एक एक शेर सुनो। हाँ। बंदर को थी जल्दी। वावा। अच्छे से वावा करो। बंदर को थी जल्दी, इसलिए उसने जल्दी मल्दी हल्दी। चलो लेट्स गो। ओके गाइस, हम लोग लिफ्ट से नीचे जा ही रहे थे और दूल्हे राजा इन द लिफ्ट। क्या हाल, सुंदर दिन प्रतिदिन सुंदर। इनसिक्योरिटी होने लग गई है प्रणव भैया से, मुझे इतने सुंदर हो रहे हैं। भैया हो गया लाइक मेहंदी मुंदी लगना शुरू हो गया। मेहंदी नहीं हल्दी, सॉरी मैं मेहंदी क्यों बोल रहा हूँ गाइस, समझ नहीं आ रहा। हल्दी उल्दी लगना शुरू हो गया एकदम मस्त। इधर भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ तो बस पूजा होगी। तुमने लंच करा कि नहीं? अभी लंच करने का। लंच करो तुम। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्दी के फंक्शन में एंड मैं आपको बहुत स्पेशल स्पेशल लोगों से मिलाता हूँ। We have got Manish भैया यार, we have got Shekhar भाईयार, we have got भाभी, नितीश भैया और बाकी पूरी गैंग आपको पता है गाइस। गाइस ये बहुत दूर दूर वाले लोग हैं। I'm really happy they came up. कल रात हम लोगों ने इतना मजा इतना डांस करा ना। फिलहाल जब तक हम लोग हल्दी के फंक्शन में पहुंचे तब तक हल्दी, मैंने कहा था ना वो जो तुम्हें ऊपर वो वाला वो शायर सुना था, नाबालिग को लेकर आ रहे क्यों करते। एंड द थिंग इज गाइज, अभी खाना वाना खा रहे हैं। हल्दी का फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं को व्लॉग एडिट करना था तो मैं नीचे नहीं आ पाया, बट आज रात जो शादी वाले सीन्स मचने वाले हैं ना वो खतरनाक होने वाले हैं। क्या कह रहे हो मालिक, लैम्बो लेकर के आए? चले दो ही बंदे जाएंगे, हर्ष टूर में चलते हैं केवल। हमें उधर से भाई की गाड़ी भी छोड़नी है तो थार भी लेकर जानी पड़ेगी ना। एक काम करते गाइज, अभी हम लोग ना लैम्बो लेकर के नहीं आए तो अभी वापस जाते कर लैम्बो लेकर के आते और मस्त सीन्स मचाएंगे रात के। फिलहाल भी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ओके यार, तो भैया को तो हम लोगों ने दिखा दिया था। वी हैव गॉट भाभी हियर। कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है ये बताओ, आप या भैया? भैया। चलो हमें पता है ये शादी सफल होगी। क्योंकि भाई जब एक यू नो लड़की अपने पति की तारीफ करती है तो वो शादी सुखी रहनी चाहिए। वी हैव ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर यू भाभी। हम आपको ज्यादा खुश रखेंगे, आप हमारे मतलब आपके परिवार वालों ने भी खुश रखा है, बट हमारे परिवार भी है। देख रहे हो पूरी गैंग गैंग, ये पूरी ओजी गैंग है सर गाइस, परिवार। फिलहाल अभी फंक्शन चल रहा है गाइस, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कितने कितने बजे की शादी है बताओ? है तो 8 बजे की। सब 8 बजे आ जाओ भाभी। और आई स्वेयर भाभी, मेरे को बोल रही थी कल मत लेके जाओ, आज ही। ये स्टेटमेंट भी तो बताओ, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, भाभी को बोल रही है आज ही लेकर के चले जाओ। बस भाभी इतने कितना टाइम वेट करा, तो बस एक दिन और। ठीक है कर रहे हैं, टाइम से आना, टाइम से आना और बारात बढ़िया होनी चाहिए, तभी आऊंगी मैं। हाँ डन। मेरे को बारात में मजा नहीं आया तो नहीं आऊंगी। अरे डन डन। ओके गाइस, हल्दी का इवेंट निपटा करके हम लोग आए ऊपर। एंड द थिंग इज प्रणव भैया, आज आपकी शादी है तो आपकी शादी में हमने एक प्रॉमिस करा था कि हम भैया की शादी में लैम्बो लेकर के आएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ घर गाइस लैम्बो लेने के लिए, उसके बाद सजाएंगे भी लैम्बो। गाइस लैम्बो से बड़ी गाड़ी दिखाता हूँ मैं, आप जो प्रणव भैया की शादी के लिए तैयार हो रही है वो देखो गाइस, वो दिख रही है गाइस विंटेज कार। भैया इसमें साइड से ना दो ट्रेलर और लगा रहे थे, पूरी गैंग आ जाएगी वहां पर। पीछे ट्रॉली बांध देते ट्रैक्टर वाली। हर्ष अपने पापा से बोल के एक ट्रॉली मंगवा ले, सब बैठ कर जाएंगे। हाँ भैया सजा सकते हैं उसे हम। और उसमें ढोल बज रहे हैं। ऑलरेडी गाइस शाम के बज चुके हैं 4:30। भैया क्या क्या सेरेमनी है अभी? बस 7 बजे वो है सेराबंदी। बैंड बजेगा गाइस, बैंड तो वो शादी वाला बैंड गाइस। फिलहाल अभी जा रहे हैं घर गाइस लैम्बो लेने के लिए, निकलते हैं यहाँ से एंड फिर लैम्बो लेकर के मिलते हैं यहाँ पर। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं होटल से एंड ऑलमोस्ट हमारे पास केवल 2 घंटे हैं घर से वापस आने के लिए, उसके बाद फंक्शन शुरू हो जाएगा। सो फट 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 सतीश जी को गाड़ी दे दिया। सतीश जी 2 घंटे में आना जाना करना है, लेट्स गो। 2 घंटे कम सोच के बैठा। ओके भाई शाम हो चुकी है, 6 बज चुके हैं, हम लोग फाइनली पहुंच चुके घर
Here is our Lambo. फटाफट फटाफट इसे क्लीन करते हैं और फिर निकलते हैं. हर्ष और बनी गए हैं उनके घर कुछ सामान लेने के लिए. बहुत रश मच रखी है बट फटफट लैम्बो को पहुंचाते हैं यार हरिद्वार. तो यार हम लोग लैम्बो निकाल ही रहते हैं और हम लोग लैम्बो में भर रहे पानी. एंड ये सतीश जी पानी का ही छेद है ना, कहीं ऐसा ना हो कूलेंट कूलेंट वाले में हमने पानी भी नहीं डाल दिया. चेक करो एक बारी पहली बार उत्तराखंड में घूम रही है. आज क्या रिएक्शन है ब्रो, क्रेजी क्रेजी जनता है लैम्बो की गाइस. बट अभी हम लोग कहीं पर रोक नहीं रहे बिकॉज हम लोग शादी के लिए लेट हो रहे हैं. प्रणव भैया का मेरे को कॉल आ चुका है, बोल रहा भाई पहुंच जा 7 बजे तक, क्योंकि अभी मेरे को प्रणव भैया का फोन आया कि फंक्शन शुरू होने वाला है. सो बस नेक्स्ट 15 मिनट में पहुंचते हैं, फटफट फट लैम्बो एंटर करवाते हैं शादी के माहौल में. करके ना ओके गाइस, लैम्बो को लेकर के हम लोग पहुंच चुके थे होटल में एंड फाइनली तैयार हो चुके. चेक दिस आउट एंड चेक दिस आल्सो आउट गाइस. बट साड़ी नहीं पहनी ना तो नहीं लग रही है सुंदर. मैंने कहा था गाइस ज्यादा साड़ी में ज्यादा सुंदर लगती है लड़कियां. अभी भी टिक टिक ओके गाइस, मतलब 11 out of 10 साड़ी में होती तो 20 out of 10 मिलते. फिलहाल सब लोग रेडी हो चुके हैं, प्रणव भाई की बारात निकाल रहे हैं. लैम्बो नीचे खड़ी है, प्रणव भाई ने अपनी विंटेज कार भी मंगा रखी है. चलते हैं सब लोग, दिखाते हैं आपको नीचे के सीन्स. भैया की बारात निकल रही है एंड इस बारात में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी लैम्बो ना स्टार्ट हो. लेट्स गो बॉयज, लैम्बो स्टार्ट करते हैं और बारात में आग लगाते हैं. लेट्स गो. भाभी को भी हम अपने शादी की सीट लेंगे गाइस. द होल गैंग इज देयर और हर्ष को चेक करो, हर्ष लैम्बो चला रहा है. गाइस प्रणव भैया शादी तो कर ही रहे, वो चेक करो नई गाड़ी गिफ्ट कर रहे भाभी को. मेरी भाभी ने मेरे को करी है. कांग्रेचुलेशंस मालिक, सुपर भैया. इतना खुश हूं ना मैं भैया के लिए. लोग बहुत खुश होंगे लास्ट वाले व्लॉग में, लोग आपके लिए, लोग आपको बहुत ज्यादा विशेष दे रहे थे. थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से मेरे. प्रणव भैया की शादी तो प्यार हो यार. भाई भैया कितना सपोर्ट करा है इन लोगों ने आपको, मतलब. और प्रणव भैया ने कितना सपोर्ट करा है स्टार्टिंग से. ये मेरे जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है. खुशी को दिन, खुशी को दिन. अभी तो भाभी दिखा दे भाभी कितनी सुंदर. भैया फीके पड़ रहे भाभी के सामने. हमने ना प्लान बना था जब वरमाला होगी ना हम क्या चलाएंगे. मोए 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 खत्म हो. भाभी गाइस, भाभी वहां से आ रही है हमारी.
इंतजार खत्म होता है प्रणव भैया का। भाभी आ गई गाइस, हमारी घर की पहली भाभी प्रणव भैया खड़े उठ रहे। मैंने कहा लौंडे वाले हम पिघलना नहीं है भैया। भाभी कितनी सुंदर हो, भाभी कितनी सुंदर, ऐसे पिघलना नहीं है। जिस दिन देरी होगी उस दिन देखूंगा भैया। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेना, आप जीत चुके हैं। हम साथ हैं आपके। मोहब्बत हो तो ऐसी हो मोहब्बत। भैया कैसा फील हो रहा है भैया? रो रहे हैं भैया, इमोशनल आपको फाइनली मिल गए। भाभी आपके लिए रो रहे थे, मतलब आपको आज तक रो ही नहीं पड़ा ना भाई, इतना प्यार करते हैं आपसे। सख्त लौंडा पिघल गया हमारा सख्त लौंडा पिघल गया गाइस। भैया यार फिर से इमोशनल भैया, हमें पता है भाभी से प्यार करते हो बट रोना नहीं है भैया। बहुत खुशकिस्मत हो भाभी, आप जो ऐसा लड़का मिला आपको। जल्दी जा, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मार मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। वेडिंग ऑफ प्रणव भैया, कितने सारे लोगों ने वेट करा। प्रणव भैया क्या बोलना चाहोगे आप ब्रोसेना को? ब्रोसेना तो हमेशा दिल में रहती है, भाभी बहुत प्यार दिया हमेशा। आपको एक नए परिवार के लिए स्वागत है ब्रोसेना। आपको पता नहीं होगा बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंडिया की, एंड ब्रोसेना वेलकम वेलकम भाभी का। भाभी हमारी परिवार में जुड़ चुकी है, एंड भैया से ज्यादा प्यार करना, जितना प्यार में जितना प्यार आप प्रणव से करते हो उससे ज्यादा भाभी को, बिकॉज यू आर स्पेशल। बट भैया पहली बार इमोशनल में, मतलब आज तक मैंने कभी नहीं इतना इमोशनल नहीं देखा जितना आपके लिए भाई। बहुत प्यार करते हैं आपसे भाभी। ऑल द बेस्ट, लव यू भाभी, बहुत सारा प्यार।